हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान और हम लोग कर रहे हैं अब समसामयिक घटना चक्र 2021 कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं भारत दृष्टि। तो दोस्तों, इसका जो पहला चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका एक पार्ट आ चुका है। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2, ठीक है, जो कि है भारत भूमि और उसके निवासी। चैप्टर का नाम है गाइस। और गाइस, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो दोस्तों, ये जो है पार्ट 2, इसमें जो ये वाला चैप्टर है यानी कि भारत भूमि और उसके निवासी, ये हो जाएगा कंप्लीट। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो गाइस, जो पार्ट 1 में हम कर चुके हैं उससे आगे हम करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम करेंगे जनसांख्यिकी पृष्ठभूमि से, ठीक है गाइस। इसमें हम करेंगे जनगणना, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि भारत की जनगणना 2001 की 21वीं सदी और 30वीं सहस्राब्दी की प्रथम जनगणना होने के कारण ऐतिहासिक और युगारंभ करने वाली थी। तो यहाँ लिखा है कि भारत में 2011 की जनगणना 1872 ईस्वी के बाद 15वीं जनगणना थी। मतलब हम स्टार्ट कहाँ से करें, 1872 से। तो इसे दो चरणों में कराया गया, मतलब 1872 से गई से स्टार्ट हुई है भारत में जनगणना, ठीक है। तो इसे दो चरणों में कराया गया। पहला लिखा है मकानों की सूची और आवास गणना, अप्रैल से सितंबर 2010, और जो दूसरी है वो है जनसंख्या की गणना 9 से 28 फरवरी 2011 और संशोधनात्मक दौर 1 से 5 मार्च 2011, ठीक है। अब जनसंख्या की बात करते हैं तो लिखा है कि भारत की जो जनसंख्या है 1 मार्च 2011 को 121.09 करोड़, यानी कि 62.32 करोड़ पुरुष और 58.76 करोड़ महिलाएं थी, ठीक। जिसमें से 83.37 करोड़ 68.9% ग्रामीण क्षेत्रों में, और बाकी जो है 37.71 करोड़ यानी कि 31.1% जो है शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। लिखा है कि 2001 की जनसंख्या के मद्देनज़र भारत की 2001 में गाइस लिखा है 102.87 करोड़ थी जनसंख्या। तो इस जनसंख्या के मद्देनज़र भारत की जो जनसंख्या है 2001 से 2011 के मध्य 17.7% की गिरावट रही है इसमें। तो भारत की जनसंख्या वर्ष 2021 तक 136.3 करोड़ और 2036 तक क्या होगी, 152.23 करोड़ होने का अनुमान है। मतलब गाइस कितनी हो जाएगी, इतनी, ठीक है। विश्व की 13.579 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भूभाग में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2.4% है। अब लिखा है कि जनसंख्या घनत्व, तो भारत के जनसंख्या घनत्व 2011 में 17.7% की दशकीय वृद्धि के साथ 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1991 और 2011 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। बड़े राज्यों में बिहार सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्या है, राज्य है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद केरल आता है। पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जो केरल है वो है 860, ठीक है। लिखा है लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में ये 972 था, और उसके बाद 1941 तक इसमें निरंतर कमी दर्ज की गई है। आगे लिखा है 2001-2011 की अवधि में लिंग अनुपात में 2001-933 की जनगणना की तुलना में 2011-943 की जनगणना में 10 अंक की जो है वृद्धि देखी गई है, परंतु बच्चों के लिंग अनुपात में गिरावट आई है। ये प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम होकर 919 यानी कि 919 पर आ गई है। अब बात करें साक्षरता की, तो 2011 की जनगणना के प्रयोजन के लिए 7 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के ऐसे व्यक्तियों को साक्षर समझा जाता है जो किसी भाषा में पढ़ने और लिखने में सक्षम हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो पढ़ सकते हैं परंतु लिख नहीं सकते, साक्षर नहीं कहे जा सकते। 1991 से पहले की जनगणनाओं में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्यतः निरक्षर समझा जाता था। 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश की साक्षरता की दर 73% है।
इसमें 80.9% पुरुष और 64.6% महिलाएं हैं। 94% साक्षरता के साथ केरल ने प्रथम स्थान बनाए रखा है। फिर इसके करीब ही लक्षद्वीप 91.9% का स्थान है और देश में साक्षरता की दृष्टि से बिहार अंतिम स्थान पर है, जहां साक्षरता की दर 61.8% है और 96.1% पुरुष साक्षर और 92.1% जो है महिलाएं साक्षरता दर के साथ केरल का देश में पहला स्थान है। फिर लिखा है इसके विपरीत पुरुष 71.2% महिलाएं 51.5% दोनों की साक्षरता दर के मामले में बिहार जो है अंतिम स्थान पर है। फिर हम बात करेंगे प्रजनन और मृत्यु दर की। तो जनसंख्या के प्रजनन दर के अनुसार कुल प्रजनन दर अपनी पूरी प्रजनन आयु की अवधि के दौरान प्रति महिला द्वारा बच्चे को जन्म देने की औसत संख्या को इंगित करता है। तो जनसंख्या में निर्धारित आयु विशिष्ट प्रजनन दर के मद्देनजर होता है, ठीक है। प्रति महिला 2.1 बच्चों के TFR को प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। 2008 में 2.6 की तुलना में 2018 में 2.2 कि TFR में लगातार गिरावट से भारत धीरे धीरे प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे ये चार्ट देखते हैं जिसमें लिखा है जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आंकड़े। तो यहाँ लिखा है कुल जनसंख्या, देखिए यहाँ लिखा है जनगणना 2001 अंतिम और जनगणना 2011 अंतिम, ठीक है। तो कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी लिखी है गाइस, ये आप देख लीजिए, और यहाँ पे कितनी लिखी है। तो गाइस क्या लिखा है, तो गाइस 2001 की अगर हम बात करें तो कुछ 102 करोड़ के आसपास है और 2011 की बात करें तो 121 करोड़ जो कि आज बढ़ गई होगी। फिलहाल ये 2011 का चल रहा है। यहाँ पुरुष जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, 53 करोड़, और अगर महिला जनसंख्या की बात करें तो 62 करोड़ है। सॉरी यहाँ पे 2001 की दे रखी है, यहाँ 2011 की दे रखी है, 53 करोड़ के आसपास है और 2011 में 62 करोड़, ठीक है। महिला जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ 2001 में है 49 करोड़ के आसपास है और 2011 में 58 करोड़ के आसपास। दशकीय वृद्धि दर अगर हम प्रतिशत में देखते हैं तो कितनी हो रही है, 2001 में हुई थी 21.54, ठीक है, और यहाँ 2011 की बात करें तो 17.7 जो है वृद्धि दर, यानी कि वृद्धि दर में आई थी गिरावट। औसत वार्षिक घातांक की वृद्धि दर की अगर बात करें प्रतिशत में तो वह है 1.97, यहाँ है 1.64। फिर है जन घनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो पहले कितना था गाइस, 325 था, और बाद में यानी कि 2011 में ये हो गया 382। लिंगानुपात की अगर बात करते हैं यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी हैं, तो 2001 की बात करें तो 933 थी और जो आज यानी मतलब 2011 वाले में जो है वो है 943, यानी कि वृद्धि हुई है, ये अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 2001 में है 927 और जो बाद में यानी कि 2011 में और गिर गई है 919 हो गई है। अगर हम साक्षरता दर की बात करें प्रतिशत में तो जो 2001 में थी 64.83 है और 2011 में 73 है, यानी कि यहाँ पे हुई है वृद्धि। फिर लिखा है पुरुष साक्षरता की बात करें तो देखिए 75% से अब हो गई है 80.9%, यहाँ पे भी हुई है वृद्धि। महिला साक्षरता की अगर बात करते हैं तो पहले 53 थी जो बाद में हो गई है, यानी कि 2011 में हो गई है 64.6, यानी कि यहाँ पे भी हो गई है वृद्धि। देखिए गाइस नोट में कुछ लिखा है कि भारत 2014 में भी जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े दिए गए हैं, जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जो है जारी हो चुके हैं। वर्ष 2011 के जनसंख्या के आंकड़े अंतिम है और इसमें क्या है, मणिपुर के सेनापति जिले के 3 उप जिलों यानी कि माओ मारम, पाओमाता और पुरूल के भी आंकड़े जो हैं शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये चार्ट हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े, यहाँ पे जो 2011 की जनगणना के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखा है, भारत में महापंजीकरण और जनगणना आयुक्त क्या नाम है, के चंद्र मौली के नेतृत्व में देश में 15वीं जो है राष्ट्रीय जनगणना 2010 से 28 फरवरी 2011 तक लगभग 11 महीने की अवधि में 2 चरणों में जो संपन्न हुई थी। फिर यहाँ लिखा है 31 मार्च 2011 को इसमें अंतिम आंकड़े जारी किए गए और 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े क्या कर दिए गए, जारी कर दिए गए। फिर इस जनगणना के प्रथम चरण में क्या होता है, गृह सूचीकरण और आवासीय जनगणना हुई, जबकि द्वितीय चरण में क्या होता है, जनसंख्या प्रगणन
संपन्न हुआ, मतलब दूसरे चरण में बेघर लोगों की भी क्या होती है, जनगणना होती है। तो इस जनगणना के तहत पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR निर्मित किया गया, और जिसमें 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण क्या है अंकित है। फिर लिखा है जनगणना 2011 के तहत देश के सभी 35 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों और इतने 640 जिले और गईस 5,924 तहसील तालुका, 7,935 नगर और इतने गांव को कवर किया है। तो विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले यानी कि विश्व में 7वें नंबर पर भारत आता है। तो भारत में विश्व की जो है 17.5% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग जो है 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से थोड़ी ही कम है, मतलब ब्राज़ील की टोटल जनसंख्या से थोड़ी सी कम है, जिसमें हमने 10 साल में वृद्धि कर ली जितनी। ठीक है, अब लिखा है कि जो विश्व का 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र, 5वां, ठीक है, कौन सा है, ब्राज़ील। तो लिखा है 2001 से 2010 के दशक, अपवाद रूप में 2011 से 21 का दशक, पहला दशक है मतलब 2001 से 11 का, जब जनसंख्या में कुल वृद्धि जो है पिछले दशक से कम रही है। फिर यहाँ लिखा है कि 1,210.1 मिलियन के स्तर पर भारत की जो जनसंख्या है, देखिए भारत की जनसंख्या USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की संयुक्त जनसंख्या के लगभग बराबर है। तो गाइस कितनी है इन सारे देशों की मिलाकर, 1,214, और हमारी कितनी हो गई यहाँ पे 1,210, थोड़ी ही कम है बस। तो यहाँ लिखा है स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में गत दशक की तुलना में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है, 21.5% कितनी, 1991 से 2001 से 17.7% 2001 से 11, अर्थात 3.8% जो है बिंदु की गिरावट आई है। फिर लिखा पुरुषों की वृद्धि दर 17.1% और महिलाओं की वृद्धि दर कितनी है, 18.3% है। तो 2001 से 2011 में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी, 1.64% रही है, जो पिछले दशक से 1.97% थी। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 164.5 मिलियन है, जो 2001 से 0.7 मिलियन की इसमें वृद्धि हुई है। तो इस आयु वर्ग में 2001 से 2011 के दौरान मामूली 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्याओं में क्या हुई है, कमी हुई है। तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर क्या है, 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 में गिरावट दर्ज की गई है। अब गाइस अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, पहले 25% से 20%, महाराष्ट्र में 22 से 16%, बिहार में 28 से 25%, वेस्ट बंगाल में 17 से 13, आंध्र प्रदेश में 14 से 11%, मध्य प्रदेश में जो है आपकी 24 से 20%। फिर यहाँ लिखा है कि 2001 से 2011 के दौरान देश की जनसंख्या का लगभग 85% भाग जो है भाग वाले 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2% से कम रही है, जो कि 1991 से 2001 की अवधि में लगभग 42% भाग वाले 15 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में थी। अब लिखा है कि 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2001 से 11 के दौरान वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.5% से कम रही है, जबकि इसके पिछले दशक में ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो जनसंख्या मात्र 4 थी। देश में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पे कितनी है, 199.81 मिलियन जनसंख्या है, और जिसकी जनसंख्या ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से भी क्या है, अधिक है। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दे तो ये विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा। अगर हम सिर्फ यूपी को बाहर निकाल दें तो पहला हो जाएगा चीन, फिर आता है भारत, फिर आ जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, और फिर आप लिख सकते हैं यूपी का नाम। लिखा है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त जनसंख्या USA की जनसंख्या से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। फिर लिखा है कि धैर्य है कि
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2070 कर दिया गया। पहले कितना था लक्ष्य? 2045, फिर जिसको आगे बढ़ा के 2070 कर दिया गया। अब यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण संकेतों, राज्य केंद्र शासित प्रदेश वाक्रम जनसंख्या की, अगर यहाँ पर लिखा है जनसंख्या, तो यहाँ लिखा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले पाँच देश राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी की है गाइस, यहाँ पे लिखा है 19 करोड़, ठीक है, 19,98,12,341, ठीक है। तो महाराष्ट्र की है कुछ 11 करोड़ है, बिहार की 10 करोड़ है, वेस्ट बंगाल 9 करोड़ और क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश है 8। तो यानी कि अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा है यूपी की, फिर आती है महाराष्ट्र आता है गाइस, फिर आपका बिहार आ जाएगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा और उसके बाद आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट लिखा है न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्यों की अगर हम बात करें, तो सबसे कम है सिक्किम, उससे ज़्यादा है मिजोरम, उससे ज़्यादा आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। फिर लिखा है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा आपकी आती है दिल्ली, जो आज जो इसमें लिखा है 1.6 करोड़, पुडुचेरी आता है 12.4 करोड़, लिखा है यहाँ पे आपका चंडीगढ़ लिखा है, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिखा है दिल्ली का है 1.6 करोड़ और पुडुचेरी का 12 लाख के आसपास है और चंडीगढ़ का 10.5 जो है आपके लाख के बराबर है। यहाँ पे लिखा है न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन आता है, सबसे कम जनसंख्या किसके, लक्षद्वीप की है, फिर दमन व दीप एवं फिर दादर नगर हवेली की गई। यहाँ पे एक्चुअली ये 2011 का है, इसलिए इन दोनों को अलग कर रखा है, जो कि हालांकि आज अगर हम बात करें तो दमन दीप और दादर नगर एक ही हो गए, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रम की अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग में किसके, यूपी की है, सेकेंड नंबर पे बिहार आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है। फिर है दशकीय वृद्धि दर की अब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो लिखा है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन से हैं, मतलब 10 साल में किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो यहाँ लिखा है मेघालय 27.9% हुई है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, फिर जम्मू कश्मीर है एंड देन मिजोरम है। दोस्तों तो इसके नोट्स आप बनाएंगे तभी ये याद हो पाएगा। फिर यहाँ लिखा है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य हैं, सबसे कम किसमें होती है, नागालैंड में वृद्धि हुई है, फिर केरल में हुई है, गोवा में हुई है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुई है, फिर यहाँ पे हुई है सिक्किम में। फिर लिखा है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, दादर नागर हवेली है, दमनदीव है, फिर पुडुचेरी आता है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वृद्धि हुई है आपकी लक्षद्वीप में, फिर उससे ज़्यादा हुई है अंडमान निकोबार में, फिर उसके ज़्यादा हुई है चंडीगढ़ में। फिर लिखा है जनसंख्या घनत्व की अगर हम यहाँ बात करें, तो सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से, तो सबसे पहले नंबर पर आता है बिहार गाइस, यहाँ पे कितने हैं 1106, फिर आता है वेस्ट बंगाल 1028 आता है, फिर केरल में 860 आता है, फिर यूपी में 829 आता है, हरियाणा 573 आता है। फिर न्यूनतम अगर 5 देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ और 17 है, मिजोरम में 52, सिक्किम में है 86, नागालैंड में 115 है, मणिपुर में 119 है। फिर सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो दिल्ली है सबसे ज़्यादा, कितना है 11,320, यानी कि ये आपकी देखिएगा इस बिहार से भी ज़्यादा है। फिर चंडीगढ़ है 9,258 और फिर पुडुचेरी आता है 2,547। फिर न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार 46, फिर है दादर नगर हवेली 700 है, लक्षद्वीप 2,149 है। अब लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो है 5 राज्य की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा है गाइस केरल में 1084, यानी कि ये बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे आता है तमिलनाडु सेकेंड नंबर पे जो 996 है, ये भी अच्छा है गाइस। आंध्र प्रदेश आता है 993, ये भी अच्छा है। छत्तीसगढ़ है 991, ये भी अच्छा है गाइस। मणिपुर है 985, ये सारे अच्छे हैं गाइस। तो मणिपुर सेनापति जिले के 3 उप जिलों की गणना के बाद मणिपुर 5वें स्थान पर आ गया है, अन्यथा 992 लिंगानुपात के साथ ये 4थे स्थान पर था। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य की अगर बात करें तो गाइस देखिए हरियाणा आता है, फिर जम्मू कश्मीर आता है, यहाँ पे सिक्किम आता है, पंजाब है, फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे कम किसकी है गाइस, यहाँ पे हरियाणा की। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुडुचेरी है 1037, फिर लक्षद्वीप है 947, यहाँ पे है अंडमान निकोबार 875। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जो यूटी हैं उसकी बात करें तो दमनदीव है, दादर नगर हवेली और चंडीगढ़।
ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका गाइस मिजोरम आता है, मेघालय आता है, छत्तीसगढ़ आता है, केरल आता है। फिर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य की बात करें तो हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है। अब साक्षरता दर की बात करते हैं तो 5 राज्य ऐसे जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है वो है आपका सबसे ऊपर केरल है 94% के साथ, और मिजोरम 91% के साथ, गोवा 88.7, त्रिपुरा आपका 87.2 और हिमाचल जो है आपका 82.8%। न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो गई सबसे पहले नंबर पे आता है बिहार, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान, झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश की बात आती है। तो न्यूनतम है बिहार की 61.8% जो कि है बहुत खराब। फिर लिखा है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ऊपर आता है लक्षद्वीप, देन दमनदीव एंड अंडमान निकोबार। न्यूनतम साक्षरता दर वाली अगर हम बात करें तो दादर नगर हवेली, फिर पुडुचेरी आता है, फिर चंडीगढ़। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य, तो पुरुषों में सबसे ज़्यादा केरल में साक्षरता है, फिर मिजोरम में है, फिर गोवा में है। अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो गई सबसे पहला नंबर आता है बिहार का, फिर आता है अरुणाचल का, फिर अरुणाचल प्रदेश का, फिर आता है आंध्र प्रदेश का। अब महिलाओं की साक्षरता की बात करें सर्वाधिक तो सबसे ज़्यादा आता है केरल में, देन मिजोरम में आता है, देन गोवा में आता है। और उसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य की बात करें तो गई पहला नंबर है बिहार का, दूसरा नंबर है राजस्थान का और तीसरा नंबर है झारखंड। तो बिहार तो हर जगह टॉप पे गाइस। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, नगरों की जनसंख्या। तो यहाँ पे लिखा है नगर प्रकार जनगणना 2001 और जनगणना 2011। तो यहाँ लिखा है वैधानिक नगर, जनगणना नगर और कुल नगर। ठीक है, वैधानिक नगर में गाइस कितनी यहाँ पे लिखी है जनसंख्या नगरों की, 3799 हो गई, और 2011 में कितनी थी, 4041 थी। तो यहाँ पे जनगणना नगर जो है 1362 है और यहाँ पे 3892 है। और कुल नगर की अगर हम बात करें तो 2001 में कितनी थी, 5161 और यहाँ पे 2011 में 7933 थी। अब लिखा है कि 2001 की तुलना में 2011 में नगरों की कुल संख्या में 2772 की वृद्धि हुई है। तो इन सभी नगरों में अनेक नगरीय संकुलनों यानी कि UAs का भाग है, जबकि शेष स्वतंत्र नगर हैं। फिर लिखा है देश के नगरीय ढांचे में शामिल कुल नगरीय संकुलन यानी कि नगरों की संख्या जो है 6166 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। चैप्टर था आपका भारत भूमि और उसके निवासी। तो गाइस चलिए अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कुछ कमेंट है आप अपनी तरफ से करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ अपनी तरफ से बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए गाइस, वीडियो को शेयर करिए। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस मेरे चैनल का नाम है UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम करते हैं अपने वीडियो को एंड और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।